स्टूडेंट वेलफेयर ट्रस्ट की ओर से आज बापूनगर पुलिस स्टेशन की हद में बापूनगर के पुलिस ऑफिसरों का स्वागत समारोह रखा गया था। आज पूरे विश्व में जिस तरह से कोरोना की महामारी चल रही है उसके मुताबिक जिस तरह से आज पूरी सफाई कामदार डॉक्टर नर्स पूरे देश को बचाने के लिए आज जिस तरह से दिन रात अपने परिवार को छोड़कर काम कर रहे उसको वक्ते नज़र हुए आज पूरी बापूनगर के सारे प्रजाजनों की ये दिल से इच्छा थी कि आज पूरे गुजरात और हिंदुस्तान में पुलिस का हर जगह हर गली पे स्वागत हो रहा है। तो हमारी पूरी टीम ने भी ये तय किया और सुबह हमने जॉन भाई डीसीपी उनसे बात की थी। उन्होंने रवि तेजा साहब ने परमिशन दी और उन्होंने बोला था कि हाँ मैं आऊँगा। उनकी एक अलग मीटिंग थी तो बापूनगर पुलिस स्टेशन के PI साहब आए और उनका साथ में उनका पूरा स्टाफ था और आज पूरे हमारे बापूनगर विस्तार में उनका पूरा फूलों से स्वागत किया गया और प्रभु से प्रार्थना दी गई कि इनको बड़ा लंबा आयुष्य दे और कोरोना की बीमारी से मुक्त। जय हिंद, जय भारत। बापूनगर पुलिस स्टेशन ना जे रहीसो छे ए छेला एकाद महीना थी बापूनगर पुलिस नी सफाई कामदार मेडिकल टीम ना कर्मचारियों नी कामगिरी जुए छे अने घणा बधा विस्तारों में पुलिस ने अने तंत्र ने साथ सहकार आपे छे। जेम अत्यारे स्थिति बहु खराब कहेवाय, घणा बधा केसों पॉजिटिव वधी रह्या छे त्यारे लॉकडाउननी कड़काईथी पालन करवा माटे लोको पोलीसने साथ सहकार आपी रह्या छे अने पोतानी जवाबदारी हवे समझी रह्या छे। तेना भाग स्वरूपे आज रोज बापूनगर पोलीस स्टेशन विस्तारमां पोलीसनी टीम पेट्रोलिंग करती थी त्यारे अमुक विस्तारमां लोकोए फूलोथी तेमने આવકાર્યા છે અને સ્વાગત કર્યું છે। તો એના ઉપરથી જણાઈ આવે છે કે લોકો હવે આ મહામારીને બહુ વ્યવસ્થિત રીતે સમજી રહ્યા છે અને પોલીસને કોઓપરેટ કરી રહ્યા છે, પરંતુ અમારા કરતાં પણ વધારે સારી રીતે લડાઈ મેડિકલ ટીમ અને અર્બન હેલ્થ સેન્ટર કે જે લોકો પોઝિટિવ કેસને પર્સનલી ટેસ્ટ લેવા જાય છે એ લોકોને ક્વોરન્ટાઇન કરવા જાય છે, અમારા કરતાં પણ પહેલાં હકદાર એ સફાઈ કર્મચારી છે અને એ મેડિકલ ટીમ છે અને પોલીસ મારી દૃષ્ટિએ ત્રીજા નંબરે આવે છે। અમારા તરફથી એક જ મેસેજ છે કે અત્યારે ધંધા રોજગાર બંધ છે, લોકોને જમવાની તકલીફ છે, આવક પણ બંધ છે, જો આ વહેલું પૂરું કરવું હોય અને ફરીથી બધું રેગ્યુલરાઇઝ કરવું હોય તો દરેકે પબ્લિકે પોતાની જવાબદારી સમજી અને આવી જ રીતે જો કડક લોકડાઉન કરે અને વધારે પોઝિટિવ કેસો આવતા બંધ થાય, સંક્રમણ ઘટે અને એકબીજાને આ લોકો આ વાયરસથી ચેપ ઓછા લગાડે તો જલ્દી આપણે સામાન્ય સંજોગો ફરીથી લાવી શકીશું।